हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आप सभी का एसकेजी ज्ञान ज्योति के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत। आपने यूपी सेमेस्टर वन की परीक्षाएं दे दी होगी और अब सेमेस्टर टू की बारी है ना। तो आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर सेमेस्टर टू में पढ़ना क्या है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं यूजी सेमेस्टर टू का आखिर कंप्लीट कोर्स क्या है। कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय के अगर आप यूजी सेमेस्टर टू के स्टूडेंट्स हैं, एनएपी का 2023-27 के हैं, किसी भी वर्ष के हो सेशन, ये सिलेबस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सिलेबस ही वह हथियार होता है जो हमें रास्ता दिखाता है कि हमें इस 6 महीने में पढ़ना क्या है, दिमाग में नए नए टॉपिक्स को डालना क्या है। और आपको बता दें आपकी परीक्षाएँ खत्म हुई है, आराम से बैठिए मत, बल्कि अपने अगले सेमेस्टर की सिलेबस को जानते हुए तैयारी शुरू कर दीजिए। अगला सेमेस्टर बहुत ही कठिन है। सेमेस्टर वन तो थोड़ा कठिन हुआ, लेकिन सेमेस्टर टू बहुत कठिन है, क्योंकि जो सेमेस्टर टू का जो रिजल्ट आया है बहुत ही खराब रिजल्ट आया है। 70% बच्चे प्रमोटेड कर गए हैं इस बार जो सेमेस्टर टू का एनएपी 2022 है। सेमेस्टर टू के स्टूडेंट्स को पूरी तरह से चौकन्ना रहने की जरूरत है, और उसके लिए सबसे पहला कदम है कि आपके दिमाग में अगर ये चीज रहेगा कि सेमेस्टर टू में हमें कितने पेपर पढ़ने हैं, कितने मार्क्स के पढ़ने हैं, किसके इंटरनल एग्जाम होंगे, किसके एक्सटर्नल एग्जाम होंगे, किसके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, कौन से फैकल्टी में कौन सा पेपर आता है, एमडीसी में क्या आएगा, एसीसी में क्या आएगा, सेक में क्या आएगा, फाइनल में क्या आएगा। तो आइए इन सभी सवालों को दूर करते हैं, लेकिन 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 जाने से पहले एक बार वीडियो को शेयर करते हुए जरूर जाइए, क्योंकि अपने दोस्त को भी इनवाइट कीजिए, क्योंकि उनको भी आप एक अच्छी चीज दे रहे हैं, एक नया सिलेबस नए सेमेस्टर। आइए देर न करते हुए स्क्रीन पे स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूजी सेमेस्टर थ्री ई सेमेस्टर टू सॉरी 23-27 का सिलेबस, इसमें आपको कंप्लीट कोर्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका टोटल 5 पेपर पढ़ना होगा, लेकिन मेजर 2 पेपर है, इसीलिए 6 पेपर। पहला है मेजर, वो मेजर टू होगा, सॉरी यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक है, मेजर टू होगा और ये मेजर थ्री होगा। तो वो मेजर पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, इसमें इंटरनल एग्जाम होगा, 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा, और एक्सटर्नल एग्जाम होगा आपका, कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है उसको एक्सटर्नल एग्जाम कहते हैं, जो महाविद्यालय में परीक्षाएं होती है उसको इंटरनल एग्जाम कहते हैं। ये भी होगा मेजर पेपर का, ठीक है। और मेजर थ्री पेपर जैसे जिस आपका बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी अगर आपका मेजर है तो मेजर थ्री का यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं होगा, इसका यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, लेकिन किसका, जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मेजर में, क्या इसे भी याद दिला देते हैं, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब अगर आपका मेजर है, मेजर थ्री में आपका इसका एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होगा और ना ही इंटरनल एग्जाम होगा, बल्कि क्या होगा, 100 नंबर का सीधे प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। रुकिएगा नहीं, अभी और चौंकाने वाली तथ्य है। अब माइनर, माइनर पेपर जो है ये वोकेशनल पेपर है। क्या पेपर है, वोकेशनल मतलब कि ऐसा पेपर जो आपके आगे पढ़ाई खत्म करने के बाद आपको जिंदगी जीने में मदद कर सके, तो माइनर वोकेशनल पेपर है। वो भी दिखाएंगे, सिलेबस भी दिखाएंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में आपको। माइनर ये 100 नंबर का होगा, इसमें इंटरनल एग्जाम होगा 25 नंबर का, एक्सटर्नल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं होगा। तीसरा है एमडीसी, जैसे आपने आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो सेमेस्टर वन में बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ,
कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टेटिक्स, ये सब एमटीसी वन में पढ़ा होगा। अगर आपने बॉटनी पढ़ा है तभी जियोलॉजी पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ा है तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। ये 75 मार्क्स का होगा, इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, एक्सटर्नल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम इसका नहीं होगा। नेक्स्ट आता है सेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 75 मार्क्स का होगा सेक। ये पेपर जो है सभी को पढ़ना होगा, ये पेपर सभी को पढ़ना होगा, सेक पेपर ऑल स्टूडेंट को। 75 मार्क्स का है, इसका ना इंटरनल होगा ना प्रैक्टिकल होगा, सीधा यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा। और ये सेक पेपर जो है टोटल मैथ है, क्या है, मैथ है, सभी को पढ़ना होगा ये मैथ, ठीक है। इसलिए सिलेबस के साथ बने रहिए, बहुत कुछ जानकारियां आपको इस सिलेबस में देने जा रहे हैं। नेक्स्ट है एसीसी, एसीसी मतलब होता है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जिसमें कि आपने सेमेस्टर वन में हिंदी पढ़ा होगा तो सेमेस्टर टू में इंग्लिश पढ़ना होगा, सेमेस्टर वन में इंग्लिश पढ़ा है तो सेमेस्टर वन में हिंदी पढ़ना होगा। 50 मार्क्स का होगा, इंटरनल नहीं होगा, एक्सटर्नल होगा और न प्रैक्टिकल होगा, ठीक। यहां तक समझ में आ गया, अब आते हैं सब्जेक्ट के डिटेल पर, होगा क्या, ठीक है। तो मेजर में ऑल आपका आर्ट्स सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट और कंप्लीट कॉमर्स सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। माइनर में आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आएगा, क्या आएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आइए इसका सिलेबस आप देख सकते हैं, बताएंगे कहाँ से सिलेबस देखेंगे। एमडीसी में ऑल आर्ट्स एंड साइंस पे सब्जेक्ट्स आ जाएगा, कॉमर्स भी आ जाएगा, सॉरी भूल गए। सेक में मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ये पेपर का नाम है सेक पेपर, जो ऑल स्टूडेंट्स को पढ़ना होगा, और एसीसी में हिंदी इंग्लिश आ जाएगा। इसका अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं यूजी सेमेस्टर टू का, तो प्ले स्टोर पर जाइए, एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये मैथ का आपका लाइव क्लास मिलेगा, एसीसी का लाइव क्लास मिलेगा। ये दो पेपर कॉमन पेपर है, जिसके कि आपके लाइव क्लास मिलेंगे। मैथ कोई नोट्स नहीं होता, मैथ का, मैथ को आपको समझना होगा सेक पेपर को। इसी के वजह से सेमेस्टर टू में 70% स्टूडेंट इस बार प्रमोटेड कर गए हैं, इसी पेपर के वजह से। अगर अभी आपने इसको नहीं जागा तो आपको बहुत सारी समस्याएं होंगी, क्योंकि मैथ आप कब का पढ़ना छोड़ चुके हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। अब आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर सिलेबस बात हो नहीं बता, चलिए सिलेबस बता देते हैं आपको। आप एक नया क्रोम खोलिए, नया क्रोम इस तरह गूगल खोलिए कंप्यूटर मोबाइल पर, और यहाँ पर लिखिए प्रोविजनल सिलेबस, क्या लिखिए, प्रोविजनल सिलेबस 2023-27। इसको कैसे लिखेंगे, पहला लिंक जो आपके मोबाइल पर आएगा इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये सारा सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ देखिए, मैंने आपको कहा था स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, इसमें मैथ है, ये सिलेबस खुला। सेमेस्टर वन में आपने डिजिटल एजुकेशन पढ़ा, अब सेमेस्टर टू में मैथमेटिकल पढ़ना होगा, जो इसका सिलेबस है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। यह है मैथ का सिलेबस जो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पढ़ना होगा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना होगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना होगा, ये मैथ का सिलेबस है। इसी तरह आप आगे भी सिलेबस देख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश का अपना देखना चाहते हैं तो यहाँ पर बीएससी, इस तरह आप सिलेबस को आप समझ जाएंगे। माइनर वोकेशनल नीचे दिया हुआ है, देखिए माइनर जो है वोकेशनल है आपका, इसका सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए माइनर का सिलेबस है ना, यहाँ देखिए यूजी सेमेस्टर टू फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यही पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। यह देखिए एक्सटर्नल 75 का, इंटरनल ये इसका सिलेबस है। इस तरह अपने मोबाइल में सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और हमारे ऐप पर बहुत जल्द ये हिंदी में भी आएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल हुआ होगा और आपको सिलेबस को समझने में सुविधा देगा। अभी सेमेस्टर टू के कोर्सेस लॉन्च कर दी गई है, इसमें कि सारे नोट्स भरे हुए हैं, लेकिन मैथ का फिर लाइव क्लास और एसीसी का लाइव क्लास शुरू हो रहा है, कोर्स को ले लीजिए। 20 जून से हमारे सेमेस्टर टू के क्लास स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप अपने दोस्तों को भी करा दिखाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के, बाय बाय।